हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट स्टडी विथ टीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 16 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है तथा हमें इसमें यूज ऑफ एन का प्रयोग करना है। यहाँ पर यूज ऑफ एन का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम देखेंगे एन का प्रयोग, यानी जिन शब्दों का उच्चारण भावेल यानी ए ई आई ओ यू स्वर वर्ण से हुआ हो, उसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एप्पल, एप्पल का जब उच्चारण करते हैं सबसे पहले ए आता है, इसमें पहला अक्षर क्या है, स्वर है, तो इसीलिए इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है एग, इसमें भी पहला स्वर कौन सा रहा है, उच्चारण करने में पहला स्वर ए आएगा आ रहा है, इसलिए इसके पहले भी ए एन का प्रयोग करेंगे। सेम वैसे एलिफेंट में भी ए आ रहा है पहला स्वर, इसमें भी पहले ए एन लगाएंगे। उसके बाद है ऑक्स, ऑक्स यानी बैल, और बैल इसमें सबसे पहले औ आ रहा है, इसके पहले भी ए एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इल यानी बीमार, इसके पहले भी ए एन, आई यानी आँख, इसके पहले आ आ रहा है, भी ए एन का प्रयोग करेंगे। यानी भवेल ए ई आई ओ यू के भावेल से जिन जिन शब्दों का उच्चारण होगा उसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। उसके पहले चलिए देख लेते हैं एक, उसके बाद ए का प्रयोग, यानी जिन शब्दों का उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से हुआ हो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कैट, कैट में पहला अक्षर कौन सा रहा है, क आ रहा है, से राइट में र आ रहा है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग करेंगे। व्यंजन, पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, जैसे राइट में ही पहला र आ रहा है, ए लगाएंगे। बॉय में भी क्या आ रहा है, ब, इसलिए इसके पहले ए। डॉग में भी ड आ रहा है, ड क्या है, व्यंजन है। और फिश में भी पहले फ आ रहा है, इसलिए क्या है, व्यंजन, इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए पहला हमारा दिस, यह एक गधा है, तो यह का लिखेंगे दिस। उसके बाद इज, एक का ए और गधा का ए डबल एस। आपको बताएं कि भवेल के पहले क्या लगाना है, ए एन लगाना है, तो एस ए आ रहा है, ए क्या है, स्वर है, इसके पहले क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे। उसके पहले वह एक बैल है, तो डेट इज, बैल का ओ एक्स होता है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, ए एन ऑक्स। उसके बाद यह एक उल्लू है, तो यह का लिखेंगे दिस इज, उल्लू का भी ओ डब्ल्यू एल, ओ से हो रहा है, भवेल चलो इसकी, इसलिए ए एल लगाएंगे। उसके बाद है वह एक चिट्टी है, तो वह का लिखेंगे डेट, उसके बाद इज ए एन एंट। उसके बाद यह एक अंडा है, तो यह का लिखेंगे दिस इज एन एग। उसके बाद है वह एक सेव है, तो वह का लिखेंगे डेट इज एन एप्पल। उसके बाद है यह एक आँख है, तो दिस इज एन आई। उसके बाद वह एक कान है, तो डैट इज एन ईयर। उसके बाद यह छाता है, तो दिस इज एन अम्ब्रेला। उसके बाद वह दवात है, तो डैट इज एन इंक्वेल। उसके बाद यह नारंगी है, तो दिस इज एन ऑरेंज। उसके बाद वह हाथी है, तो डैट इज एन एलिफेंट। उसके बाद है यह गाय है, तो यह का लिखेंगे दिस
इज ए, यहाँ पर सी क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, इसके पहले ये लगाएंगे, उसके बाद वह कुत्ता है, तो डैट इज ए डॉग, उसके बाद यह मोहन है, तो दिस इज मोहन, उसके बाद हमारा वह गीता है, तो वह का सी इज गीता। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।